छत्तीसगढ़ बीजेपी ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक कार्टून पोस्ट किया था, जिसके बाद इस मुद्दे पर दोनों तरफ से सियासी वार पलटवार शुरू हो गया। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। बीजेपी छत्तीसगढ़ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक कार्टून पोस्ट किया है, जिसमें चार तस्वीर बनाई गई है। पोस्ट के साथ लिखा गया है कि राजनांदगांव या जिहादगांव, चुनाव आपका है। भाजपा मीडिया सेल ने पोस्ट में लिखा है कि राजनांदगांव की जनता को बीजेपी की ओर से आग्रह है कि वो सही विकल्प चुने। मैंने देखा तो नहीं है, परंतु बिना देखे भी ये कह सकता हूँ कि जैसी सरकार चली है पिछली बार, उनके मुखिया जहाँ पर भी होंगे ऐसा ही कुछ सोचा जाएगा। मैं बिल्कुल ये बात मान्यतापूर्वक कहना चाहता हूँ, भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते कहना चाहता हूँ कि सरकार जो पिछली चली है, जिसमें जनता ने जिस तरीके की पीड़ा झेली है, समाज में जैसे विभेद उत्पन्न हुए हैं, आज अगर वो राजनांदगांव से प्रत्याशी हैं तो कोशिश उनकी यही रहेगी, ऐसा लगता है। बीजेपी द्वारा किए कार्टून पोस्ट को कांग्रेस ने स्तरहीन बताया है। अब भारतीय जनता पार्टी को यह मालूम है कि लोकसभा चुनाव में उसकी बुरी तरीके से हार होने वाली है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब अनर्गल तथ्यों के आधार पर, स्तरहीन तथ्यों के आधार पर राजनीति कर रही है। राजनांदगांव के संबंध में उन्होंने राजनांदगांव के बारे में अनर्गल टिप्पणी किया है, यह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मोदी की नाकामियों से ध्यान हटाने की एक साजिश है। वो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की चीजें कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता मोदी जी के 10 साल के वादा खिलाफी का हिसाब लेने के लिए तैयार बैठी है। ये कुछ भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राजनांदगांव से तो जीतेगा भूपेश जी। चुनावी साल में सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने तरीके से मुद्दों को जनता के बीच लाते हैं, लेकिन बीजेपी के इस कार्टून ने सूबे की सियासत में हलचल जरूर पैदा कर दी है। स्वप्निल गौरखेड़े, INS 24/7, रायपुर।